हेलो दोस्तों, एक बार दोबारा से आप सभी का स्वागत करता हूँ। कुछ बड़ा चल रहा है, बेस्ट पेन स्टॉक टू बाय नाउ। पीएल वैल्यू 60 प्लस हो सकती है। काफ़ी बड़ा ह्यूज अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है स्टॉक में, तो डेफिनेटली स्टॉक को आप रडार में रख सकते हो और आपको एक अच्छी रिटर्न इस प्राइस से भी देखे जा सकता है। बस शर्ते आपको एक स्टॉप लॉस और टारगेट का वेट करना होगा। टारगेट के लिए आपको एटलीस्ट टाइम लगेगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि 2 दिन में टारगेट आ जाएगा, टाइम लगेगा। और दूसरी बात दोस्तों, बहुत दिनों से इस स्टॉक के ऊपर रिक्वेस्ट आ रही थी कि भैया वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। स्टॉक का नाम आपने गैस नहीं कर पाए हो, तो आपको मैं एक हिंट दे देता हूँ। 8.5 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और मुझे पर्सनली स्टॉक काफ़ी पसंद आ रहा है। और इसने एक अच्छा खासा वीकली और मंथली ब्रेकआउट दिया है, जो मुझे पर्सनली लग रहा है कि आप स्टॉक को बाय करके चल सकते हो। लेके चलता हूँ स्टॉक के एनालिसिस, टेक्निकल एंड फंडामेंटल। और कुछ भी अच्छा लगेगा, मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना और कॉमेंट करके बताइए कि आपको एनालिसिस कैसी लगी। और दोस्तों एक बात बोलूँगा, वीडियो को पूरा अंत तक देख लिया करो। बहुत सारे लोग नीचे कमेंट करके बोलते हैं, सर आपने तो पहले बोला था ये स्टॉक इतने में बाय करना है, अब इतने में करना है। तो ये होता है दोस्तों, क्या है, आप वीडियो को जब स्किप करके देखते हो तो आपको आधी अधूरी नॉलेज रिसीव होती है, तो उसके वजह से आप फालतू के कॉमेंट करते हो, जिसके वजह से आपका टाइम बर्बाद होता है, मेरा भी टाइम बर्बाद होता है। क्योंकि मुझे बैड कॉमेंट पसंद, उसे देखो, अगर आप बैड कॉमेंट कर रहे हो, अगर मेरी गलती है तो अगर बैड कमेंट करते हो तो मुझे वो पसंद आता है। लेकिन अगर फालतू के बैड कमेंट करते हो, जब आपने वीडियो पूरा देखा नहीं है, तो वो भैया एक नंबर की बकचोदी होती है, ठीक है? फालतू की आप बोल सकते हो, बकचोटी कमेंट बोलते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे अगर अगली बार से कमेंट आएंगे तो मैं शायद उनको ब्लॉक कर दूँ, ठीक है? अब क्वेश्चन अब आपकी मर्जी, आपको क्या पसंद है। हाँ, अगर आप क्रिटिसाइज़ करना चाहती हो तो रियल वर्क को एक्सरसाइज करो, जो मेरी गलतियाँ उसको आप कर सकते हो। अगर गलती नहीं है तो फालतू की बकचोदी करने की आवश्यकता नहीं है इस चैनल पर। अब लेके चलता हूँ आपको हमारे स्टॉक के नाम की तरफ। तो दोस्तों जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन में देखने को मिल सकता है, स्टॉक का नाम BCG है, ब्रिटकॉम ग्रुप लिमिटेड, राइट? स्टॉक का रेट 10 रुपये से नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप बेस्ट पेन स्टॉक बिलो 10 रुपये ढूंढ रहे हो, तो दोस्तों ये एक स्टॉक हो सकता है। ये एक अच्छी खासी कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है और कंपनी लगातार प्रॉफिट दे रही है और प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छी है। तो डेफिनेटली स्टॉक में पैसा लगा के हम भूल सकते हैं कुछ सालों के लिए। अगर बात करते दोस्तों ये स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस और साथ में आज का कामकाज, पहले मैं आपको आज का कामकाज दिखाता हूँ, साथ में दिखाऊंगा आपको आपकी फंडामेंटल एनालिसिस, साथ में देखेंगे इसका स्टॉक चार्ट कि हमें क्या स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए स्टॉक में वेट करना चाहिए। तो दोस्तों मैंने भी ये वेबसाइट में जो डेटा होता है वो ओपन करा हुआ, दोस्तों देख सकते हो स्टॉक आज 10% के सर्किट पर क्लोज हुआ है, ठीक है? अच्छा खासा बाइंग देखी गई है। अगर बात करते हैं कि आज का कामकाज कैसा हुआ है 3 मार्च 2021 का, दोस्तों आप देख सकते हो जो डिलीवरी क्वांटिटी परसेंटेज है वो 62% निकल के आता है। 62 मतलब काफ़ी बड़ा नंबर होता है 100 का, ठीक है? अगर बात करता हूँ कितनी क्वांटिटी ट्रेड हुई आज के दिन में, तो दोस्तों आप देख सकते हो 80 लाख के आसपास क्वांटिटी ट्रेड हुई है, उसमें से 50 लाख क्वांटिटी लोग घर लेके गए, घर मतलब CNC में लोग घर लेके गए 50 लाख क्वांटिटी। 50 लाख क्वांटिटी छोटा नंबर नहीं होता है, एक बड़ा नंबर होता है। अगर 50 लाख को आप 8.5 रुपये के प्राइस से मल्टीप्लाई करते हो तो एक बड़ा अमाउंट निकल के आता है। तो डेफिनेटली दोस्तों स्टॉक को आप रडार में रख सकते हो, ये डेफिनेटली आपको एक अच्छी रिटर्न देके जा सकता है। बात करते हैं स्टॉक के BCG के फंडामेंटल एनालिसिस, साथ में ऐड करेंगे हमारी स्टॉक की चार्ट वैल्यू, तो देख लेते हैं स्टॉक। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो ब्रिटकॉम ग्रुप लिमिटेड है, एक एंटरटेनमेंट लिमिटेड कंपनी है और एक दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करवाती है। दोस्तों आपको बताया डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का स्कोप फ्यूचर में इंडिया में कितना बड़ा हो सकता है। तो डेफिनेटली ये बूमिंग इंडस्ट्री है, आप डेफिनेटली स्टॉक में पैसा लगा के भूल सकते हो। तो साथ में दोस्तों ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट और साथ में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करती है, तो डेफिनेटली पैसा लगा के हम इसमें भूल सकते हैं, क्योंकि इसका फ्यूचर ब्राइट है, ठीक है? आने वाला वक्त AI, डिजिटल मार्केटिंग और आप बोल सकते हो कि सॉफ्टवेयर का होने वाले हो और आपका पैसा डेफिनेटली स्टॉक में बनेगा, ठीक है? मार्केट कैप की मैं बात करता हूँ, 401 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस चल रहा है 7.90 रुपये, ठीक है? मतलब 8.5 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा और 13.02 रुपये का लो है, मतलब स्टॉक 2.90 रुपये से ऑलमोस्ट आपका 8.5 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ऑलमोस्ट लोगों का पैसा 4-5 गुना ऑलरेडी हो चुका है, राइट? अब बात करते हैं स्टॉक में, दोस्तों अच्छा क्या है, दोस्तों सबसे अच्छी बात दोस्तों इसमें यह है कि स्टॉक की बुक्स के अकॉर्डिंग स्टॉक की वैल्यू, रियल वैल्यू 59 रुपये के आसपास होनी चाहिए। दोस्तों देख सकते हो, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ स्टॉक की रियल वैल्यू 60 के प्लस है, ठीक है? डेफिनेटली स्टॉक को रडार में रखो दोस्तों, देख सकते हो। दूसरी चीज़ दोस्तों देख सकते हो, अगर आप ऐसी कंपनी ढूंढ रहे हो जो डिविडेंड आपको दे रही है, जो 10 रुपये से नीचे ट्रेड कर रही है, दोस्तों ऐसा कोई स्टॉक नहीं है मार्केट में जो 10 रुपये से नीचे ट्रेड कर रहा हो और आपको साथ में डिविडेंड भी दे रहा हो। तो दोस्तों ये कंपनी आपको एक अच्छा डिविडेंड भी दे रही है जो 10 रुपये से नीचे ट्रेड कर रही है, तो डेफिनेट स्टॉक को हम रडार में रख सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों इसके और स्टॉक में अच्छा क्या है,
तो मैं आपको लेके चलता हूँ नीचे की तरफ थोड़ा। तो दोस्तों आप देख सकते हो कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी, ठीक है। और जैसे आपको बताया गया है कि स्टॉक अपने बुक से काफ़ी सस्ते में आपको मिल रहा है, तो डेफिनेटली स्टॉक को हम रडार में रख सकते हैं। और दोस्तों देखते हैं कंपनी के, जैसे मैंने आपको बताया ये एक आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है, जिसका स्मॉल रेंज कैटेगरी की कंपनी आती है, ठीक है। तो डेफिनेट स्टॉक हम रडार में रख सकते हैं। बात करते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की, कितना फिगर्स का प्रॉफिट हुआ है, तो सीधा नेट इनकम और नेट प्रॉफिट आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो, दोस्तों आप देख सकते हो दिसंबर 2020 का, ठीक है, आप देख सकते हो दोस्तों। तो आप देख सकते हो 139 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इसको दिसंबर क्वार्टर में, और सितंबर क्वार्टर में जो प्रॉफिट 103 करोड़ का था, मतलब प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली स्टॉक को आप रडार में रख सकते हो, क्वार्टरली बेसिस पे प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। अब बात करते हैं ईयरली टू ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस की, ठीक है। तो अगर बात करता हूँ नेट इनकम की, तो आप देख सकते हो नीचे आपको देख सकते हो मिल सकता है कि जो इनकम है एक कांस्टेंट इनकम थी, इसलिए स्टॉक का प्राइस कांस्टेंट था। लेकिन लगातार स्टॉक मुझे लगता है फ्यूचर में एक ब्राइट काम कर सकता है, ब्राइट है इसका फ्यूचर, क्योंकि जो सर्विसेज ये प्रोवाइड कराती है डिजिटल मार्केटिंग और सॉफ्टवेयर की, तो भैया इसका इंडिया में ही बूमिंग इंडस्ट्री है। बहुत सारे लोगों के पास अभी तक वेबसाइट भी नहीं है अपनी कंपनी की, तो डेफिनेटली भाई ये एक इंडस्ट्री बूम करेगी और इसके प्रॉफिट पे जंप आएगा। तो डेफिनेटली स्टॉक का रडार में रखो, एक अच्छी खासी कंपनी जो लगातार प्रॉफिट दे रही है 440 करोड़ का हर साल, लेकिन स्टॉक आपका 9 रुपये का इसमें ट्रेड कर रहा है। बट डेफिनेटली स्टॉक को रडार में रखो, एक अच्छा स्टॉक ये बन के आ सकता है और आपको एक अच्छी वैल्यू स्टॉक दे सकता है फ्यूचर में, ठीक है, और अच्छा पैसा भी बना सकता है। अगर बात करते हैं होल्डिंग पैटर्न की, तो दोस्तों आप देख सकते हो जो प्रमोटर होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट 37% के आसपास की प्रमोटर होल्डिंग है, और छोटा मोटा FII का पैसा भी लगा हुआ है ऑलमोस्ट 0.72% के आसपास। बाकी इसमें पब्लिक है, जनरल पब्लिक आपकी 62% है। तो भाई डेफिनेटली स्टॉक में पैसा लगा के हम भूल सकते हैं, खोने के लिए कुछ नहीं है। 8.5 और 9 रुपये की वैल्यू में स्टॉक आपको मिल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं स्टॉक के स्टॉक चार्ट के अकॉर्डिंग कि हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होगा अगर हम स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करते हैं, क्योंकि विदाउट स्टॉप लॉस तो कभी भी मार्केट पे काम नहीं करना चाहिए। जैसे मैं आपको बोलता रहता हूँ और हमेशा बोलूँगा, विदाउट स्टॉप लॉस कभी मार्केट पे काम मत करो। अगर आपके पास स्टॉप लॉस है तभी एंट्री करो, अगर स्टॉप लॉस नहीं पता तो पहले ढूंढो कि आपका स्टॉप लॉस क्या होगा स्टॉक में, ठीक है। इस स्टॉक में मैं आपको लगातार बहुत दिनों से देख रहा हूँ, 8 रुपये के लेवल से, मेरे 7 रुपये के लेवल से देख रहा हूँ। एक भाई ने हमारे कमेंट किया था नीचे कमेंट सेक्शन में, लगातार स्टॉक को मैं ट्रैक कर रहा हूँ लेकिन मुझे कोई स्टॉप लॉस नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने स्टॉक आपको सजेस्ट नहीं किया था। लेकिन आज की डेट में मुझे स्टॉप लॉस नज़र आ रहा है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, राइट। अगर आपको थोड़ा नीचे मिलता है, थोड़ा नीचे मतलब करेक्ट होता है, आज तो 10% ऊपर था, लेकिन थोड़ा जब करेक्ट होगा, थोड़ा नीचे गिरेगा, तो आप स्टॉक को बाय करके चल सकते हो, लेकिन आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। उसके लिए आपको चार्ट में लेके चलता हूँ, और कुछ भी समझ आ रहा है मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, आपके लिए इतने अच्छे वीडियोस बनाता हूँ तो भाई कर दो। और जो ऑडियो की क्वालिटी बहुत जल्द इंप्रूव होने वाली है, उसके ऊपर काम चल रहा है, तो थोड़ा सबर करो बस यार। और थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए, हाँ इससे पता चलता है कि आप लोग कितने इच्छुक हो सीखने के लिए, पसंद आता है, मज़ा आता है मतलब यार टोटली। तो दोस्तों देख सकते हो मैंने आपका चार्ट खोला हुआ है, ठीक है। चार्ट में आपको क्या दिख रहा होगा, बहुत क्लियर दिख रहा होगा, मैंने कोई लाइनें फ्लॉट कर रखी, इन लाइनों का मतलब क्या आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो जो हमारा पहला रेजिस्टेंस है वो है 9.47 रुपये के आसपास, 9.47 रुपये के आसपास, मतलब 9.5 रुपये का एक रेजिस्टेंस पहला, तो हमारा पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट हमारा 11.5 रुपये का टारगेट है, ठीक है। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की, दोस्तों आप देख सकते हो स्टॉप लॉस जाएगा हमारा 7.50 रुपये के नीचे। जैसे स्टॉक 7.50 रुपये के नीचे जाता है हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों का स्टॉप लॉस हमारा 7.50 रुपये ही है, ठीक है। इससे अच्छा स्टॉप लॉस मुझे नज़र नहीं आ रहा स्टॉक में। बाकी आप स्टॉक को बाय करके चल सकते हो किस प्राइस में, दोस्तों आप अगर आपको मिलता है स्टॉक, आपको अगर मिलता है 8.50 रुपये के आसपास मिलता है स्टॉक, कल परसों नरसों जब भी मिलता है, तो डेफिनेटली स्टॉक को बाय करके चल सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 11.5 रुपये विद द स्टॉप लॉस ऑफ 7.50, ठीक है। अगर आपको कुछ पूछना हो और किसी स्टॉक दूसरे स्टॉक के बारे में, तो नीचे कमेंट कर दो, डेफिनेटली वीडियो बना दूंगा। वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन आप बार बार कमेंट करते रहना, अगर बार बार कमेंट करोगे तो वो स्टॉक मैं मेरे दिमाग में रहेगा कि हाँ भैया ये बंदा रेगुलर कमेंट कर रहा है, तो मैं शायद उसके ऊपर वीडियो बना दूँ। जैसे ये एक स्टॉक था, लगातार कोई बंदा कमेंट कर रहा था, मेरे रडार में था, मुझे कोई अच्छा लगा स्टॉक में, तो मैंने वीडियो बना के आपसे अपडेट करते कि बाय करके चल सकते हो, स्टॉप लॉस ही रहेगा। तो अगर